हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं टॉप 5 मिथ्स इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम। उन सभी मिथ्स को ट्राई करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। आप लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को एंजॉय करने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए सब एक एक करके सभी मिथ्स को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वो काम करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला मिथ्स है कि अगर हम इस घर के इस बाथरूम में आ जाएं और अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ जाएं, फिर हम जंप करें तो आसानी से इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले इसे ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि यह वर्क करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, हमने काफ़ी ट्राई कर लिया है लेकिन अभी तक यह ऊपर नहीं चढ़ पाया है। तो दोस्तों, हम लोग किसी दूसरे जगह पर जाकर इस मिथ्स को ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो हम लोग पहले ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि यह मिथ्स वर्क करता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहां से आसानी से बिल्डिंग के ऊपर आ सकते हैं, तो यह मिथ हो चुका है कंफर्म। तो दोस्तों, हमारा सेकंड मिथ्स यह है कि अगर हम एरोप्लेन के सामने बाइक को खड़ा करें और एरोप्लेन और बाइक दोनों में एक ही साथ बैठ जाएं, तो जो बाइक चलाते हैं उसे आप आसानी से खड़े होकर चला सकते हैं या फिर आप सो के भी बाइक को आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए इस मिथ्स को भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यह फिर बस्टेड होता है या फिर कंफर्म। तो इसके लिए सबसे पहले हम एरोप्लेन के पास चलते हैं, फिर हम इस मिथ्स को ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि यह वर्क करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। तो चलिए किसी भी बाइक को ले लेते हैं और देखते हैं कि यह मिथ्स वर्क करता है या फिर नहीं। उसके बाद हम दोनों के बीच में चले जाते हैं। तो अभी हमारा एरोप्लेन थोड़ी सी दूर जा चुका है, तो हम चीट कोड से दूसरे एरोप्लेन को डायल करते हैं ताकि इस ट्रिक को आसानी से किया जा सके। तो यहाँ पे अभी आ चुका है, तो चलिए अब इसके बीच में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन और बाइक दोनों में एक ही साथ बैठने का ऑप्शन आ चुका है और मैं बैठ चुका हूँ बाइक पर। तो चलिए बाइक को अब चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये करेक्टर इस बाइक को खड़ा होकर आसानी से चला रहा है, दैट मीन्स यह मिथ्स भी कन्फर्म हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अब थर्ड मिथ्स की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड मिथ्स है वो यह है कि अगर हम पहले एरोप्लेन और बाइक दोनों में एक ही साथ बैठ जाए, फिर उससे नीचे उतर के हम उसी प्रकार कार और बाइक में बैठ जाए, तो हम कार को भी रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हैं। तो चलिए इस मिथ्स को भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यह मिथ कंफर्म होता है या फिर बस्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, उसके बाद डायल करते हैं किसी भी बाइक को और देखते हैं कि यह मिथ वर्क करेगा या फिर नहीं। तो अभी हमारी बाइक आ चुकी है, तो चलिए इसे भी चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस प्रकार से बैठने के बाद हमें सिंपली से इस बाइक से नीचे उतर जाना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कोई सा भी एक कार ले लेना है। तो मेरा फेवरेट लैम्बोर्गिनी का चीट कोड मैं डायल करके लैम्बोर्गिनी को ले लेता हूँ। आपका फेवरेट कौन सा कार है कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मैं बाइक किसी भी बाइक के चीट कोड को डायल करता हूँ और अब इसके दोनों के बीच में जाता हूँ और दोनों में एक ही साथ बैठता हूँ। तो देखते हैं कि यह कार रिमोट कंट्रोल कार बन पाएगी या फिर नहीं। तो मैं अभी बाइक में बैठ चुका हूँ, तो चलिए बाइक तो आसानी से चल रही है, तो पहले बाइक से नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं कि यह कार रिमोट कंट्रोल कार बन पाएगी या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यह कार रिमोट कंट्रोल कार बन चुकी है और इस कार को हम आसानी से नीचे से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम यहाँ से इस कार को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, तो यह भी बिल्कुल ही कन्फर्म हो चुका है और ये मिथ्स भी वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे मिथ्स की ओर, और हम अभी जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा फोर्थ मिथ्स। तो दोस्तों, हमारा फोर्थ मिथ्स ये है कि अगर हम किसी भी कार या बाइक को इस एयरपोर्ट के जाली के सामने सटा के लगा दें, फिर हम इस कार से नीचे उतर जाए, तो हम आसानी से इसके अंदर या बाहर जा सकते हैं। तो चलिए हम इस मिथ्स को भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यह बस्टेड होता है या फिर कन्फर्म। तो हमने अपने बुकाटी को ले लिया, तो चलिए बुकाटी को उसी पोजिशन में खड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बुकाटी आ चुकी है और बुकाटी को कुछ इस प्रकार से पूरी तरह से सटा के खड़ा कर लेते हैं ताकि इसे आसानी से किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही बुकाटी से नीचे उतरते हैं, तो यह भी बिल्कुल ही कंफर्म हो चुका है क्योंकि हम आसानी से बाहर आ चुके हैं। तो चलिए उसके सामने जाते हैं और देखते हैं कि कार में बैठने का ऑप्शन आ गया या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कार में भी बैठने का ऑप्शन आ चुका है और हम आसानी से इसके अंदर भी जा सकते हैं, तो यह भी बिल्कुल ही कन्फर्म हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट मिथ्स की ओर। तो दोस्तों, लास्ट मिथ जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए
उसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट मिथ्स ये है कि अगर हम इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड को एक्टिवेट किए रहेंगे फिर भी अगर हमें पुलिस एनपीसी गोली मारती है तो वो हमें आसानी से डैमेज कर पाएगी। तो हमने अभी अपना इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड को एक्टिवेट कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि यह मिथ वर्क करता है या फिर नहीं। फिर हमने इसे गोली भी मार दिया और देखते हैं कि पुलिस कितना देर में आती है और पुलिस हमें डैमेज कर पाएगी या फिर नहीं। तो हमने अभी दो एनपीसी को मार दिया लेकिन अभी तक यहाँ पे पुलिस नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पुलिस आ चुकी है और पुलिस हमें गोली मारना भी स्टार्ट कर चुकी है। तो देखते हैं कि पुलिस गोली से हमें डैमेज कर पाती है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस कार आ चुके हैं और देखते हैं कि पुलिस हमें गोली मारती है तो डैमेज कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे एक भी पुलिस दिखाई नहीं दे रहा है और कोई भी गोली ही नहीं मार रहा है। तो देखते हैं कि यह मिथ वर्क करता है या फिर नहीं। तो चलिए हम पहले इस पुलिस गाड़ी पर ही पहले गोली चलाते हैं ताकि फिर दूसरे वाले पुलिस आए और तभी पता चल पाएगा कि यह मिथ वर्क करता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि न्यू दूसरी पुलिस कार आ रही है, तो देखते हैं कि उससे पुलिस एनपीसी गोली मार पाता है या फिर नहीं और हमें डैमेज कर पाता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पुलिस एनपीसी उतर चुका है और वो हमें डैमेज करने की कोशिश भी कर रहा है और आप देख सकते हैं कि पुलिस एनपीसी आसानी से डैमेज कर पा रही है। तो दोस्तों यह मिथ्स भी बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई भी इस प्रकार का मिथ्स पता है तो कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी मिथ्स को जरूर ही ट्राई करूँगा। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।